and your fx is bx plus 2 if x is greater than 1. The statement of the question is, if the function is derivable for every x, if this function fx is derivable, ye function fx derivable hai kiske liye? For every value of x, x ki har value ke liye agar ye function derivable hai, then your question is find the values of a and b. a aur b ki value nikalo. a aa raha hai upar aur b aa raha hai niche. hame ye a aur b calculate karne hain. ye hamara question hai, theek hai? we have to find the values of a and b. ab yahan par agar hum solution ki baat kare, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में आप फंक्शनल वैल्यू को कैलकुलेट कर लो. आप यहाँ सबसे पहले क्या मेंशन करोगे, द फंक्शन इज चेंजिंग ब्रांच. कहाँ पर चेंज कर रहा है ब्रांच को? द फंक्शन इज चेंजिंग इट्स ब्रांच एट एक्स इक्वल टू 1. 1 पर चेंज कर रहा है. नाउ सिंस इट इज डिराइवेबल फॉर एवरी एक्स, अब आपको ये दे दिया कि ये फंक्शन एवरी एक्स हर एक्स के लिए डिफरेंशिएबल है. क्योंकि ये फंक्शन हर एक्स के लिए डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब हो गया कि इट इज डिराइवेबल फॉर एक्स इक्वल टू 1 ऑल्सो. तो फिर ये एक्स इक्वल टू 1 पर भी डिराइवेबल होना चाहिए. जब ये हर एक्स के लिए डिराइवेबल है, देन इट मस्ट बी डिराइवेबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, ये एक्स की हर वैल्यू के लिए डिराइवेबल होना चाहिए. अब इसके बाद आती है बात कि हर वैल्यू पर डिराइवेबल होना चाहिए और हर डिराइवेबल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है. इट मींस इट इज कंटिन्यूअस. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है इट इज कंटिन्यूअस ऑल्सो. ये कंटिन्यूअस भी होगा फॉर एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि जो फंक्शन डिराइवेबल होता है वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है. Every derivable function is continuous. Hence, we can say that this function is continuous also for x equal to 1. A x equal to 1 पर continuous भी होगा. देखिए ये दो बातें हम लोगों ने यहाँ से नोट की. अब इसके बाद जो next thing आती है ना बेटा, वो next thing क्या है? The next thing that we need to consider here is how to carry out the further calculations. अब एक चीज तो पक्का है कि हम जो कुछ भी चेक करने वाले हैं वो किस नंबर पर चेक करने वाले हैं, 1 पर चेक करने वाले हैं. तो सबसे पहले f1 की वैल्यू निकाल लेते हैं. अब मैंने परसों भी बताया था कि फंक्शनल वैल्यू हम उस ब्रांच से कैलकुलेट करते हैं जहां इक्वालिटी गिवन होती है. अब इक्वालिटी विद 1 इज मेंशनड इन द फर्स्ट पार्ट. आप ये देखो, ये है x लेस देन इक्वल टू 1, ये है x मोर देन 1. तो 1 के साथ इक्वालिटी जो बन रही है ना, 1 के साथ इक्वालिटी फर्स्ट ब्रांच में बन रही है. अगर 1 के साथ इक्वालिटी फर्स्ट ब्रांच में बन रही है तो इसका मतलब है F1 का कैलकुलेशन भी फर्स्ट वाली ब्रांच के हिसाब से होगा. इस ब्रांच के अकॉर्डिंग हम F1 को कैलकुलेट करेंगे. सो इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 3 प्लस ए विच इज इक्वल टू 4 प्लस ए. तो हमारे पास F प्लस F1 की वैल्यू कितनी आ गई, F1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4 प्लस ए. अब सबसे पहले तो हम कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करते हैं बाय कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1. ठीक है, एलएचएल निकालो. एलएचएल बनता है लिमिट x गोज टू 1 माइनस ऑफ fx. हमने लिमिट क्यों कैलकुलेट की बेटा, क्योंकि आपको दो अननोन्स कैलकुलेट करने, एक a निकालना है एक b निकालना है. a और b दो अननोन क्वांटिटीज हैं. दो अननोन क्वांटिटीज के लिए आपको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी. अगर आप सिर्फ डिराइवेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हो तो आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन आएगी. तो दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए हम साथ साथ किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कंटिन्यूटी का. क्योंकि हमें पता है कि जो फंक्शन डिराइवेबल है वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा. तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट हम निकाल लेते हैं. ये लिमिट आती है लिमिट एक्स गोज टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स. अर्जुन भैया कुलाबा माइनस एफ एक्स विच मीन्स लिमिट एक्स गोज टू 1 माइनस फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8. ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे हम, क्योंकि 1 माइनस यानी लेस देन 1 के लिए ये वाली ब्रांच चल रही है.
तो अब इस ब्रांच में अगर हम आगे प्रोसीड करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आती है, वी कैन राइट इट एज लिमिट एच गोज टू जीरो, वन माइनस एच होल स्क्वायर, थ्री टाइम्स वन माइनस एच प्लस ए। अब आप इसे आगे सिंप्लीफाई कीजिए जरा, h को जब जीरो पुट करेंगे तो ये बनता है 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस थ्री माइनस थ्री एच प्लस ए, और सब कुछ पुट करके हमारे पास आता है 4 प्लस ए। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, वी हैव ऑब्टेन्ड दैट, यहां लिख लेते हैं, वी हैव ऑब्टेन्ड दैट लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू 4 प्लस ए। नाउ लेट अस फाइंड आउट द राइट हैंडेड लिमिट। अब अगर हम राइट हैंडेड लिमिट निकालें इसी पॉइंट के ऊपर तो राइट हैंडेड लिमिट कितना आएगा, आर एच एल विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू वन प्लस एफ एक्स, विच मीन्स इट इज लिमिट एक्स गोज टू वन प्लस फोर बी एक्स प्लस टू। तो ये क्या बनेगा, लिमिट एच गोज टू जीरो बी टाइम्स वन प्लस एच प्लस टू। अब जब आप h को जीरो पुट करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट b प्लस टू, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, b प्लस टू आ जाता है। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करें तो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एट वन। तो 4 प्लस a b प्लस टू और 4 प्लस ए, ये इक्वल होना चाहिए, बात तो वही है ना, इक्वेशन तो एक ही आई, 4 प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस टू, हेंस ए कैन बी रिटन एज, चलेंगे हम इसको, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट आवर ए प्लस 4 इज इक्वल टू बी प्लस टू, सो ए कैन बी रिटन एज बी प्लस टू माइनस 4, दैट इज A is equal to B minus 2. So A की वैल्यू जो है वो B minus 2 आ जाती है, and this is our equation number 1. So अब हमारे पास equation number 1 आ जाती है, which says that A is equal to B minus 2. Now by differentiability, अब अगर हम differentiability की बात करें, डिफरेंशियबिलिटी को अगर हम लेकर चले ना तो एल एच डी मस्ट बी इक्वल टू आर एच डी, एल एच डी आर एच डी इक्वल होना चाहिए। लेट अस कैलकुलेट एल एच डी एंड आर एच डी वन बाय वन, एक एक करके निकालेंगे हम। अगर हम ये जो इक्वेशन है इसको आगे हमें यूज करना होगा तो इसे मैं साइड में लिख लेती हूँ, सो दैट वी मे गेट स्पेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो एल एच डी और आर एच डी जो है ना, दे मस्ट बी इक्वल, ए हमारे पास बी माइनस टू बनता है, ये हम ऑब्टेन कर चुके हैं। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनेगा लिमिट एक्स गोज टू वन माइनस एफ एक्स माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो एक्स माइनस वन यानी कि वन माइनस के लिए, वन माइनस मीन्स लेस देन वन के लिए ये अपर ब्रांच यूज होगी, तो एफ एक्स को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए। फंक्शनल वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो 4 प्लस ए है डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करो तो आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट यू गेट ओनली दिस थिंग, क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए माइनस 4 माइनस ए, तो a और a तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास ये क्वांटिटी बचेगी। इस क्वांटिटी को भी आगे अगर हम फर्दर लें तो हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिट होती है एंड वी गेट x प्लस 4 इनटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब x माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, x माइनस 1 कैंसिल हुआ तो आया लिमिट x गोज टू 1 माइनस ओनली x प्लस 4। और अब x प्लस 4 की लिमिट कैसे निकालोगे, आप x को 1 माइनस h पुट करेंगे, x को 1 माइनस एच पुट करेंगे तो x को 1 माइनस एच रखने से लिमिट बनती है h गोज टू 0, और ये कैलकुलेशन करके हमारे पास लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव आ जाता है 5। वी हैव ऑब्टेन्ड दैट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज 5। ठीक है, LHD की वैल्यू आ गई। अब LHD के बाद नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है,
Now the next thing that needs to be calculated is the value of right-handed derivative. अब हमें right-handed derivative निकालना है. जब right-handed derivative लेना होगा तो हम बोलेंगे limit x goes to 1 plus. ठीक है, limit x goes to 1 plus हम अगर calculate करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ? We get limit x goes to 1 plus bx plus 2 तो यूज होगा fx की जगह. फंक्शनल वैल्यू वही 4 plus a यूज होगी जो कि पहले आई थी. अब ये जो स्टेप है ये विशेष तौर पर ध्यान देने का स्टेप है बेटा. यहाँ पर f1 मैंने 4 plus a लिखा. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं यहाँ कि वो इसे कैलकुलेट करने के लिए ना x को यहाँ 1 रख के b plus 2 निकाल देते हैं. दैट इज रॉन्ग. आप f1 को b plus 2 नहीं लिख सकते हो यहाँ पर. आप f1 को b plus 2 क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि इक्वालिटी विद 1 आपको इस ब्रांच के साथ नहीं दी. इक्वालिटी ऑफ 1 हैज बीन गिवन विद द अपर ब्रांच. जब अपर ब्रांच के साथ गिवन है तो हम अपर ब्रांच के साथ ही लेंगे, किसी और के साथ नहीं ले सकते. तो यहाँ तो हम 4 plus a ही पुट करेंगे. अगर आप bx plus 2 fx लेते हो और 1 को इसी में रख के इसे b plus 2 निकालते हो तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि f1 की वैल्यू b plus 2 यहाँ से नहीं बनती है. तो अब इसको आगे कैसे कैलकुलेट करें? वी में से इट इज लिमिट x गोज टू 1 प्लस bx प्लस 2 माइनस 4 माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस 1. नाउ इट कैन बी रिटन एज लिमिट x गोज टू 1 प्लस bx माइनस, आप इसे 2 प्लस a कह सकते हो, अपॉन x माइनस 1. ठीक है, ये चीज आ गई. ये 2 प्लस a कहां से आया बेटा? ये 2 प्लस a कुछ ऐसे निकाला हमने कि 2 माइनस 4 इज माइनस 2, माइनस a माइनस कॉमन 2 प्लस a. अब एक बार जरा इस कंडीशन पर ध्यान दीजिए. a अगर b प्लस 2 के बराबर है तो a प्लस 2 को b कह सकते हो ना आप. ये आपकी इक्वेशन 1 थी जो बीच में आई थी हमारे पास. जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं? a वाज गिवन टू बी इक्वल टू b माइनस 2. तो 2 को इधर ले आए तो a प्लस 2 किसके बराबर आ जाता है? b के. तो इस a प्लस 2 को ऊपर से देखते हुए हम b से रिप्लेस कर सकते हैं. और ऐसा करते हैं तो आता है लिमिट x गोज टू 1 प्लस bx minus b divided by x minus 1. ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास, bx minus b upon x minus 1. अब अगर हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं इसे तो RHD की वैल्यू क्या बननी चाहिए? Now I obtain that right-handed derivative is limit x goes to 1 plus b common x minus 1 upon x minus 1. x माइनस वन से कैंसिल हो गया, सिर्फ b बचता है, सिर्फ b बचता है. तो इसका मतलब RHD की वैल्यू b आ गई. बट सिंस fx इज डिराइवेबल, अब हमें तो क्या दिया था कि fx डिराइवेबल है. किस पॉइंट पर डिराइवेबल है fx? fx इज डिराइवेबल एट x इक्वल टू 1. ये जो फंक्शन है आपका, ये x इक्वल टू 1 पर डिराइवेबल बनता है. तो इसके यहाँ डिराइवेबल बनने का मतलब क्या निकला? यहाँ से इसके डिराइवेबल होने का ये मतलब हो गया कि अब हम ये कह सकते हैं कि LHD is equal to RHD. LHD आया था 5, RHD था b, तो 5 is equal to b या b is equal to 5. एक वैल्यू हमारे पास आ गई कि b की वैल्यू 5 है. अब b अगर 5 है तो a कितना होना चाहिए? अब a तो b माइनस 2 के इक्वल था, तो इसका मतलब हो गया a इज इक्वल टू 5 माइनस 2, दैट इज a इज इक्वल टू 3. तो a की वैल्यू जो है वो 3 आ जाती है. और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला, ये कंप्लीट हो जाता है. एंड वी ऑब्टेन दैट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5. तो इस तरह a और b हमें मिल जाते हैं. बिल्कुल इसी पैटर्न पर इसी का एक और क्वेश्चन भी है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है. एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फंक्शन fx इज गिवन
and it is equal to x square if x is less than equal to c. And this function is equal to ax plus b. ये function ax plus b आता है अगर x more than c है. Now the question is find the values of a and b if the function is differentiable at c. If fx is derivable, fx derivable है. किस point पर derivable है? X equal to c पर. Then the question is find a and b. A और b को find out करो. अब ये question बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे हमने पहले वाले question को किया था. Since fx is derivable, क्योंकि fx derivable है at x equal to c, इसका मतलब fx is continuous also. तो ये fx continuous भी होगा. कहाँ कंटिन्यूस होगा? उसी x equal to c पर कंटिन्यूस होगा. तो लेट अस कैलकुलेट LHL. LHL बनता है लिमिट x goes to c minus. C minus means less than c. Less than c के लिए ब्रांच चलेगी x square. इसे आप लिखेंगे लिमिट h goes to 0 c minus h square. जिसे सिंप्लीफाई करके c square आता है. अगर मैं राइट हैंडेड लिमिट लू तो x goes to c plus. C plus में ये ब्रांच यूज होगी एंड वी शैल मेक यूज ऑफ ए एक्स प्लस बी. तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी. तो ये बनना लिमिट एच गोज टू जीरो ए टाइम्स सी प्लस एच प्लस बी. अब आप एच को जब जीरो पुट करेंगे यू आर गोइंग टू गेट ए एच प्लस बी. बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिंस योर फंक्शन इज कंटिन्यूस so LHL is equal to RHL. so c square बराबर आया AH plus B के. और AH plus B AC plus B. it is AC plus B. so c square is equal to AC plus B. it means हम क्या लिख सकते हैं? AC plus B is equal to c square या B is equal to c square minus AC. ठीक है, आप b को c square minus ac कह सकते हो. दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन. अब इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? अब ये तो बात हो गई कंटिन्यूटी की. डिफरेंशियबल था तो कंटिन्यूस भी था. कंटिन्यूस की डेफिनेशन अप्लाई की तो हमारे पास b और a में एक रिलेशनशिप आ गया कि b c square minus ac बनता है. अब अगर यहां से आगे चलें तो अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव. लेकिन मैंने पहले भी बताया था कोई भी डेरिवेटिव निकालना हो सबसे पहले क्या काम करो? आप फंक्शनल वैल्यू निकालो. क्योंकि फंक्शनल वैल्यू एलएचडी आरएचडी दोनों जगह यूज होनी है. अगर मैं यहाँ फंक्शनल वैल्यू की बात करूं तो यहाँ फंक्शनल वैल्यू किसके बराबर आएगी? आप एक्स को जब सी पुट करोगे तो अपर ब्रांच यूज करोगे. इक्वालिटी अपर ब्रांच में आ रही है तो ये वैल्यू बननी चाहिए सी स्क्वायर. So FC is equal to C square. Now let us evaluate LHD. Left-handed derivative banega limit x goes to C minus fx minus FC upon x minus C. In values ko hum put kare, to aata hai x square minus C square upon x minus C. It means limit x goes to C minus. Ab x square minus C square ko जब x माइनस सी से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ऊपर फैक्टर बन रहे हैं x माइनस सी x प्लस सी अपॉन x माइनस सी. ये फैक्टर कैंसिल होकर सिर्फ x प्लस सी बचता है. इसको आगे चेंज करेंगे तो बनता है लिमिट x गोज टू जीरो c माइनस कितना आया ये आता है c माइनस h प्लस सी. तो जब ये वैल्यू आप पुट कर दोगे तो यू गेट 2c. तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई? 2c आ गई. इसको भी यहां लिख लेते हैं ताकि हम बोर्ड को रब कर सके. तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव बन गया 2c के इक्वल. नाउ इट इज टर्न फॉर राइट हैंडेड डेरिवेटिव. अब अगर मैं राइट हैंडेड डेरिवेटिव की बात करूं तो राइट हैंडेड डेरिवेटिव बनता है x गोज टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी. ये थोड़ा सा ध्यान से देने का. एफ एक्स
राइट हैंडेड के केस में एफ एक्स आप लोगे ए एक्स प्लस बी माइनस एफ सी को क्या रखोगे, एफ सी को रखोगे सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें अपनी इक्वेशन वन यूज करनी पड़ेगी। इक्वेशन वन को यूज करो, ए एक्स प्लस बी को क्या लिख सकते हो, बी कैन बी रिटर्न है सी स्क्वायर माइनस ए सी, तो सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर पहले से था, ये आया बाय यूजिंग इक्वेशन वन। मैंने बी को रिप्लेस कर दिया, बी का रिप्लेसमेंट किया सी स्क्वायर माइनस ए सी से, नाउ सी स्क्वायर कैंसल्स विद सी स्क्वायर और ये कैंसल होने के बाद नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट। अब हमारे पास बचता है कि आर एच डी है लिमिट एक्स गोज टू सी प्लस ए एक्स माइनस ए सी अपॉन एक्स माइनस सी, जिसको आप फर्दर आगे लेकर जाओगे तो ए कॉमन एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब देखो वेरिएबल तो कट ही गया, वेरिएबल कट गया, कटने के बाद सिर्फ एक कॉन्स्टेंट वैल्यू बची हमारे पास एंड दैट कॉन्स्टेंट वैल्यू इज ए। अब एल एच डी आ गया, आर एच डी आ गया, दोनों वैल्यूज कैलकुलेट होने के बाद नाउ वी शैल अप्लाई एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। तो एल एच डी था 2c, आर एच डी है a, तो a की वैल्यू 2c आ गई। हमें तो a ही कैलकुलेट करना था और साथ में b निकालना था, तो a की वैल्यू क्या बनी, a इज इक्वल टू 2c, और a अगर 2c है तो b कितना बनेगा, b आएगा c स्क्वायर माइनस 2c इंटू c, यानी कि क्या होना चाहिए, b इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू आती है माइनस सी स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर दैट वी वांटेड टू ऑब्टेन। तो ए आता है टू सी के इक्वल और बी आता है माइनस सी स्क्वायर के इक्वल। इस तरह से हमारे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नाउ आई एम कमिंग डायरेक्टली टू क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में ब्रांचेस कैसे बनानी है वही चीज मेनली मैटर करती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसी पॉइंट के ऊपर गलतियां भी कर रहे हैं। हालांकि मैं दो क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुकी हूँ जहां पर हमने ब्रांचिंग की थी ऐसी। द स्टेटमेंट इज जब फंक्शन एफ एक्स इज एक्स माइनस वन मोड प्लस एक्स माइनस टू मोड, आपको चेक करना है कि इट इज नॉट डिराइवेबल एट एक्स इक्वल टू टू। ये एक्स इक्वल टू टू पर डिराइवेबल नहीं है, हमें शो करना है कि 2 पर ये डिफरेंशियबल नहीं बन रहा। अब 2 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, हम एफ एक्स की ब्रांचिंग करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कैसे चेक करते हैं, पहले वो पॉइंट लो जहां पर ये दोनों मॉडुलस 1 बाय 1 जीरो बनते हैं। एक्स माइनस वन जीरो बनेगा 1 पे, एक्स माइनस टू जीरो बनेगा 2 पर। तो 1 और 2 दो नंबर्स हमारे पास नंबर लाइन पर है, यहां से हमारे पास एक इंटरवल बनता है लेस देन वन, दूसरा इंटरवल बनता है जब एक्स वन और टू के बीच में है, और तीसरा पार्ट बनता है जब एक्स टू या टू से ज्यादा है। फर्स्ट इंटरवल लेस देन वन, सेकंड बिटवीन वन एंड टू, और थर्ड बनता है मोर देन टू। ये तीन इंटरवल्स बनते हैं। जब एक्स वन से कम है तो वन से कम वाले नंबर पर एक्स माइनस वन भी नेगेटिव बनेगा, एक्स माइनस टू भी नेगेटिव बनेगा, क्योंकि जब इंटरवल नंबर वन है ना, इंटरवल नंबर वन वन और टू दोनों के लेफ्ट साइड में आता है। दोनों के लेफ्ट साइड में होने का मतलब एक्स की वैल्यू वन से भी कम है, टू से भी कम है, तो एक्स माइनस वन भी नेगेटिव है, एक्स माइनस टू भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर्स का मॉड्यूलस कैसे ओपन करते हैं, मॉड घटा के माइनस लगा देते हैं। जब आपका नंबर वन टू के बीच में आएगा तो सेकेंड इंटरवल वन के तो राइट में है और टू के लेफ्ट में है, जिसके राइट में है यानी x माइनस वन ये तो पॉजिटिव रहेगा, और x माइनस टू पर वैल्यू कैसे रहेगी, अभी भी नेगेटिव रहेगी। x माइनस वन पॉजिटिव रहने वाला है, x माइनस टू नेगेटिव रहने वाला है। जो पॉजिटिव रहेगा वो पॉजिटिव ही आएगा, जो नेगेटिव रहेगा उसके आगे फिर माइनस लग जाएगा। जब आप मोर देन टू पर आते हैं, मोर देन टू पर दोनों ही क्वांटिटीज पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि ये इंटरवल दोनों के राइट साइड में चला गया, क्योंकि दोनों जगह पॉजिटिव रहेगी तो दोनों जगह मॉड का साइन एक साथ रिमूव हो जाएगा एंड वी शैल बी लेफ्ट विद एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू ओनली। अब इसे आप सिंप्लीफाई करो तो आता है माइनस टू एक्स प्लस थ्री, जब एक्स वन से कम है इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू वन,
when 1 is less than equal to x less than 2 maine isse simplify kiya beta minus x plus 1 minus x plus 2 to minus 2x plus 3 x minus 1 minus x plus 2 to 1 aa jayega aur aise hi niche aayega 2x minus 3 then x is greater than equal to 2 we need to check differentiability at 2 differentiability 2 par check karni hai 2 par check karni hai to functional value bhi 2 wali chahiye 2 वाली फंक्शनल वैल्यू इस ब्रांच से निकलेगी इस ब्रांच से निकलेगी तो आप x को 2 पुट कर दो तो आता है 2 इंटू 2 माइनस 3 4 माइनस 3 दैट इज 1 तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई अब f2 की वैल्यू तो 1 है मैं इस फंक्शन को थोड़ा साइड में लिख लेती हूँ ताकि हमें आगे स्पेस मिल जाए ये है माइनस 2x प्लस 3 अगर x 1 से कम है 1 बिटवीन 1 एंड 2 and 2x minus 3 if x is more than or equal to 2 ठीक है अब ये जो ब्रांचिंग हो गई इसके बाद अब हमें क्या करना है now we need to calculate LHD and RHD f2 अभी अभी हमने कैलकुलेट किया फंक्शनल वैल्यू एट 2 कितना था 1 था वो आप चाहे डायरेक्ट फंक्शन में पुट करके निकाल लो तो भी ये वैल्यू 1 ही आती है अब आती है एट x equal to 2 हमें क्या चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी सबसे पहले LHD चेक करेंगे x goes to 2 minus fx minus f2 upon x minus 2 यही बनेगा ना फॉर्मूला क्योंकि 2 पर चेक कर रहे हो तो 2 माइनस लोगे तो ये आता है लिमिट x goes to 2 minus अब 2 minus means less than 2 के लिए फंक्शनल वैल्यू बनती है 1 तो ये आएगा 1 f2 भी 1 अपॉन x माइनस 2 1 माइनस 1 कितना आ गया 1 माइनस 1 आ जाता है 0 तो ये आया 0 अपॉन x माइनस 2 और जहां एक क्वांटिटी 0 आ गई तो ये वैल्यू कितनी बन गई 0 तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाता है अब आती है बात राइट हैंडेड डेरिवेटिव की राइट हैंडेड डेरिवेटिव बनेगा लिमिट x गोज टू 2 प्लस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2 अगर हम यहां पर वैल्यू पुट करें ना तो 2 प्लस पर तीसरी ब्रांच काउंट होगी मोर देन 2 के लिए 2x माइनस 3 f2 की वैल्यू 1 थी अपॉन x माइनस 2 तो यहां से क्या आया आपके पास नाउ यू हैव ऑब्टेन्ड लिमिट x गोज टू 2 प्लस कितना बना 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 तो ये आया लिमिट x goes to 2 plus 2 common x minus 2 upon x minus 2. x minus 2 से x minus 2 cancel and we get 2 only. तो अब हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है after doing all the calculations, we have obtained that क्या चीज obtained की हमने कि left handed derivative तो है 0. राइट हैंडेड डेरिवेटिव आता है 2 तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD एंड देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल या नॉट डिराइवेबल डिफरेंशिएबल एक ही बात है एट x इक्वल टू 2 तो ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिराइवेबल नहीं है इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहां कंप्लीट हो जाता है अभी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन बचता है बेटा जो कि मैंने पहले भी बताया था हॉट्स में आता है तो कल के लेक्चर में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको वो कल के लेक्चर में रहेगा और उसके बाद चैप्टर 7 काफी लेंथी है जिसे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर